नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बनेंगे पुतिन, विपक्ष लगभग खत्म, 5 वजह से जिससे 2036 तक रह सकते हैं पद पर। महादेव सट्टा केस पे भूपेश बघेल पर FIR, छत्तीसगढ़ के पूर्व CM समेत 21 आरोपी, ED बोली एप प्रमोटर्स ने हवाला पैसे से दिया। इसी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया, CBI सुप्रीम कोर्ट को कल बताएगा यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्यों नहीं दिए। यूट्यूबर एल्विश यादव नोएडा में गिरफ्तार, रेव पार्टी में नशे के लिए सांपों के जहर के इस्तेमाल का मामला पहले भी पुलिस पूछताछ कर चुकी। वर्ल्ड कप फाइनल की पिच बदलना भारत को भारी पड़ा, कैफ धीमी पिच पर कमिंस से बॉलिंग चुनी तो इंडिया अपने जाल में फंस गई। KGF फेम यश की फिल्म में आई करीना कपूर नजर, फैंस से बातों बातों में खुद को किया कंफर्म, एक्ट्रेस टॉक्सिक से करेंगी अपना कन्नड़ डेब्यू। नकवी बोली राहुल विपक्षी गठबंधन के लिए बोझ, हर कोई PM बनने की होड़ में, राहुल ने कहा ये लड़ाई पार्टी नहीं विचारों की है। भाजपा की सपा बसपा कांग्रेस पर बड़ी स्ट्राइक, 50 दिन में 1000 विपक्षी नेताओं को ज्वाइन कराया, 80 सीटों पर साधा जातीय क्षेत्रीय समीकरण। सिंधिया ने गुना में लगाए चौके छक्के, वीडियो विधायक पन्नालाल शाके के लिए बोले इनकी शैली अद्भुत, यॉकर गुगली फेंककर चुप बैठ जाते हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम को इंडिया की रैली, राहुल प्रियंका समेत 15 से ज्यादा दलों के नेता शामिल होंगे, लोकसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए हिंद फोकस न्यूज। नमस्कार।